हेलो ऑल, सो ये एक नया सेगमेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, जिसमें वी विल टॉक अबाउट गवर्नमेंट की पॉलिसीज एंड उसके पीछे के रीजंस क्या हैं और व्हाई द गवर्नमेंट इज़ टेकिंग पर्टिकुलर डिसीजन। और इसका एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि एट टाइम्स हमारे को ऐसा लगता है कि लोगों को शायद पता नहीं होता या वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं हो पाता कि गवर्नमेंट कोई डिसीजन क्यों लेती है, और उससे एक मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। तो उसको करेक्ट करने के लिए हम एक अटेम्प्ट करेंगे कि गवर्नमेंट की स्कीम्स, पॉलिसीज और उसके पीछे का रीज़न क्या है, वो वी कैन शेयर विद यू इन अ लैंग्वेज जो थोड़ा ईजी टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू अप्रिशिएट हो। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आज हम बात करेंगे वाटर के क्राइसिस की, जो काफ़ी टाइम से डिस्कस करा जा रहा है, काफ़ी महीने से उस पर फोकस रहा है। तो आई थिंक दैट विल बी अ वेरी गुड फर्स्ट टॉपिक टू एड्रेस। ये जो आज का वाटर क्राइसिस है, ये कुछ एक दो साल, पाँच साल में नहीं हुआ है, ये डेकेड से चला आ रहा है, 10-20-25 साल से बनता आ रहा है। और शायद हम लोग अब इसलिए जागे हैं क्योंकि अब एक ऐसे पॉइंट पे ये सिचुएशन आ गई है कि अगर अभी हमने कुछ नहीं करा तो आगे चल के बहुत भयंकर प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बोला है कि 600 मिलियन लोगों को, यानी 6 करोड़ लोगों को वाटर स्ट्रेस है, मतलब उनके पास उतना पानी नहीं है कि वो अपना डे टू डे काम निकाल सके। तो एक ये बहुत भयंकर प्रॉब्लम है हमारे अभी कंट्री में जो फेस कर रहे हैं लोग। वही रिपोर्ट ये भी कहती है कि 2 लाख लोग हर साल मर जाते हैं इसलिए क्योंकि उनका जो पानी है वो पानी प्योर नहीं है, ड्रिंकेबल नहीं है, कंटामिनेटेड है। तो कहीं ना कहीं देर इज़ अ नीड कि हम पोर्टेबल ड्रिंकिंग फ्रेश वाटर भी प्रोवाइड कर सकें अक्रॉस ऑल डिस्ट्रिक्ट्स। हम लोग पढ़ ही रहे हैं कि पंजाब, हरियाणा जैसे हमारे काफ़ी सारे एग्रीकल्चरल स्टेट्स पे ग्राउंड वाटर टेबल काफ़ी ज़्यादा नीचे चला गया है। वो नीचे इसलिए गया है क्योंकि एक अनसस्टेनेबल यूज़ और ऑफ वाटर हो रहा है। हम ग्राउंड से पूरा वाटर निकाल रहे हैं और उतना वाटर वापस नहीं जा रहा, और ये बहुत आगे चल के प्रॉब्लम देगा इन स्टेट्स में क्योंकि हमारा मैक्सिमम एग्रीकल्चरल आउटपुट इन्हीं स्टेट्स से आता है। तो कल को ऐसा ना हो कि हमारे पास हम अनाज भी उतना ना बना पाएँ जितना हमारे को रिक्वायर्ड है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे पास उतना पानी ही नहीं हो। तो एक काफ़ी भयंकर प्रॉब्लम है। और नीति आयोग ने बोला है कि 2030 तक जो हमारी पानी की सप्लाई है उससे हमारी डिमांड डबल होगी। तो कुछ करना बहुत ज़रूरी है इस एरिया में, एंड गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं और गवर्नमेंट के कुछ प्लान्स हैं कि आगे चल के वाटर क्राइसिस ज़्यादा बड़ा ना बने। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। हमारा जो वाटर का प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट ने उसको एक मल्टी डायमेंशनल यानी अलग अलग हिस्सों में बांट के देखने का एक अच्छा अटेम्प्ट करा है। सो इसके अंदर 3 इश्यूज़ आ जाते हैं। एक तो इशू इज़ ऑफ डिमांड, पानी का डिमांड हम कम कैसे करें, वो तभी हो पाएगा अगर हम पानी को अच्छे से पूरी तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे। पानी का सप्लाई कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि पानी जो हमारे पास अवेलेबल है वो एक लिमिटेड मात्रा में अवेलेबल है, उसके बियॉन्ड हम उसको नहीं बढ़ा सकते। और जो तीसरा है वो डिस्ट्रीब्यूशन का है, जो डिस्ट्रीब्यूशन का इश्यू है कि कई एरियाज़ में हमारे पास बहुत ज़्यादा पानी है और कई एरियाज़ में हमारे पास बिल्कुल पानी नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे रेक्टिफाई करें, इसमें नीति आयोग ने एक वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स बनाया है जो एक काफ़ी अच्छे तरीके से बताता है कि स्टेट्स अपना पानी किस हिसाब से यूज़ कर पा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो हमने देखा है कि अलॉट ऑफ द स्टेट्स, उनका जो इंडेक्स में स्कोर है वो 100 में से 50 से नीचे है, लेकिन वी हैव सीन कि स्टेट्स ने अपना स्कोर इम्प्रूव करा है और ये इम्प्रूवमेंट और होनी चाहिए। और गवर्नमेंट इज़ लुकिंग एट वेज, स्टेट गवर्नमेंट्स आर ऑल्सो ट्राइंग कि ये इम्प्रूवमेंट और हो आने वाले टाइम में। तो होपफुली पानी का मैनेजमेंट इम्प्रूव करेगा स्टेट लेवल पे। लॉन्ग टर्म देखा जाए तो गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा अटेम्प्ट करा है टू लुक एट डीसैलिनेशन। डीसैलिनेशन एसेंशली क्या करता है कि जो समुद्र का पानी होता है उसको पीने लायक कर देता है ताकि हम उसको यूज़ कर सकें। वर्ल्ड में 97% पानी ओशन में है या सी में है, और ओशन और सी का पानी सॉल्टी और खारा होता है, तो वी कैन नॉट कंज्यूम इट, इट इज़ अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो डीसैलिनेशन से हम वो कंज्यूम कर सकते हैं क्योंकि वो जो पूरा मिनरल्स वगैरह उसके अंदर होते हैं जो अनफिट होते हैं वो उसको हटा देता है। तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ये सोचा है कि डीसैलिनेशन विल बी टेकन एज एन ऑप्शन, और गवर्नमेंट इस एरिया में काफ़ी काम भी कर रही है। और जहाँ तक डीसैलिनेशन का सवाल है, इंडिया इज़ नॉट द ओनली कंट्री, सिंगापुर में भी डीसैलिनेशन प्लांट्स लगे हुए हैं और मिडिल ईस्ट में भी मैक्सिमम पानी उनका डीसैलिनेशन से आता है।
तो डीसैलिनेशन एक अच्छा ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है जो दूसरे देशों में ने भी इम्प्लीमेंट करा है, और गवर्नमेंट के पास एक यही लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है जो गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। तो एक बहुत ही पॉजिटिव मेजर है इसमें जो नीति आयोग से हमने देखा है। हमने ये भी देखा है कि प्राइम मिनिस्टर ने पहली बार एक वाटर के लिए स्पेशल मिनिस्ट्री बनाई है जो वाटर मैनेजमेंट और डिमांड मैनेजमेंट और वाटर रिसोर्सेज का मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा मूव है जो दिखाता है कि कितना इम्पोर्टेंट है वाटर का क्राइसिस एड्रेस करना इस गवर्नमेंट के लिए और इस टाइम पे। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे ऐसे मेजर्स लिए हैं, और प्राइम मिनिस्टर खुद उन्होंने अपने पहली मन की बात में इलेक्शन के बाद वाटर का इशू बहुत अच्छे से रेज करा, और उन्होंने बोला कि वाटर की कमी के बारे में आप लोगों को ज़्यादा बताइए, अवेयरनेस स्प्रेड करिए, सो दैट दे कैन यूज़ वाटर, मतलब थोड़ा अच्छे से वाटर यूज़ करेंगे और वेस्ट वाटर थोड़ा कम करेंगे। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब तक हम सप्लाई बढ़ाएंगे तब तक टाइम लग जाएगा, और अभी बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि हम हमारा जो वाटर का यूज़ है वो उतना ही यूज़ करें जितना रिक्वायर्ड है। तो उस वे में अवेयरनेस स्प्रेड करने के मामले में प्राइम मिनिस्टर ने एक लीड लिया है, सो इट इज़ अ वेरी वेलकम और पॉजिटिव साइन, और आने वाले टाइम में शायद वाटर का क्राइसिस कम्प्लीटली रिजॉल्व हो जाएगा अगर हम इन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स पे फोकस करते जाएंगे और यही पॉलिसीज़ कंटिन्यू करेंगे कुछ सालों के लिए। गवर्नमेंट अपने एंड पे तो जो कर रही है वो कर ही रही है वाटर क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए, लेकिन इसके लिए एक कलेक्टिव पार्टिसिपेशन की रिक्वायरमेंट है जो पीएम ने अपने मन की बात में भी बोला था। तो ऐसा कुछ हमारे को बहुत ज़्यादा मुश्किल काम करने की ज़रूरत नहीं है। हम जब ब्रश करते हैं तो नलका बंद रखेंगे, या जब हम हाथ धोते हैं तो पानी ढंग से यूज़ करेंगे, या जब पानी का ग्लास भरते हैं तो हम उतना ही पानी डालें जितना हम पियेंगे। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से भी काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। जैसे हमारे घर में एसी आरओ वगैरह लगा होता है जिसमें से काफ़ी पानी वेस्ट हो जाता है, अगर हम उसी पानी को यूज़ करें पौधों को पानी देने के लिए या अपनी गाड़ी साफ़ करने के लिए या बर्तन साफ़ करने के लिए तो भी काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। तो आई थिंक ऐसे जो छोटे छोटे इंडिविजुअल लेवल पे हम चीज़ें करते हैं वो हमारे को करनी चाहिए, और वो हमारे को शेयर भी करनी चाहिए बाकी लोगों से ताकि उनको भी थोड़ी इंस्पिरेशन मिले, सो दैट दे कैन ऑल्सो डू द सेम। तो ऐसा करिएगा कि आप कमेंट सेक्शन में अपना लिख दीजिए कि आप क्या करते हैं अपने इंडिविजुअल लेवल में, एंड वी विल ट्राई कि हम ये आपके कॉमेंट्स को एक वाइडर ऑडियंस तक पहुँचा सकें, सो दैट दे कैन ऑल्सो बी इंस्पायर्ड फ्रॉम जो आप करते हैं पानी बचाने के लिए। एंड लेट अस ट्राई टू प्रमोट एक कल्चर इन द कंट्री कि पानी बचाना चाहिए क्योंकि पानी की शॉर्टेज है, एंड ओनली जब गवर्नमेंट के अटेम्प्ट्स और मेजर्स हमारे इंडिविजुअल मेजर्स के साथ मर्ज करेंगे तभी हम इस क्राइसिस को एडिक्वेटली एड्रेस करके आगे बढ़ पाएंगे।